राजधानी पटना में पटना पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा जी, जरा देख लीजिए कि किस प्रकार से अपराधी दानापुर में दहशत मचाए हुए। विगत कुछ दिनों पूर्व एक मां के सामने दानापुर इलाके में एक बेटे की हत्या कर दी जाती है। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ता है कि फिर से एक बार राजधानी पटना के दानापुर इलाके में एक बड़ी वारदात घटी है और अपराधियों ने घर में घुसकर दानापुर थाना क्षेत्र के नया टोला में पारस राय नामक युवक की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। लगातार पुलिस घटनास्थल पर पहुंच के मामले की जांच में जुट गई है और लगातार ये दावा कर रही है कि अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन हालिया दिनों में दानापुर में जिस प्रकार से मां के सामने एक बेटे की हत्या की गई, फुलवारी शरीफ इलाके में जिस प्रकार से एक नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या की गई और अभी कुछ घंटे पहले पारस राय नामक युवक की जो हत्या की गई है और यह वारदात अपराधियों ने पारस राय के घर में घुस के घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। अभी आपको आधा घंटा पहले तो पीछे फोन आया था, धोबल आए तो देखे गिरे हुए पारस बाबू, देखे कहाँ कहाँ गोली लगी, एक पीठ में है, एक चुस्तर में, एक पैर में है। तो हम जल्दी से बउआ फोन किए, गाड़ी लाओ, हमने पारस में जाके हमने भर्ती किया अभी जाकर। अब क्या होता भगवान जाने। कैसे वो घर में अंदर घुस करके मारे? दो गो बाइक था, लोग अगल बगल कर रहे हैं, दो गो बाइक से आया था और चार गो शूटर था। कि कितने बार के बजे की बस आधा घंटा के बात है। जिनको गोली लगे उनका क्या नाम है? पारस राय। क्या करते हैं? क्या करते थे? कुछ नहीं करते, खेती गृहस्थी आदमी है। हेलो। इस घटना के बाद घटनास्थल पर बेस्ट एसपी मौके पर पहुंच के मामले की जांच में जुट गए। आपको बता दें कि पारस राय के भाई की केदार राय की भी हत्या कुछ साल पूर्व कर दी गई थी। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि लगातार दानापुर में अपराधियों की तूती बोलती है और ये तमाम घटनाएं ये चीख चीख कर गवाही दे रही है कि पटना में अपराधियों का बोलबाला है, पटना में अपराधियों का जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद नजर आते और खाकी कहीं ना कहीं दम तोड़ते नजर आ रहा है। और खाकी का जो रुतवा था, खाकी का जो खौफ था, वर्दी की जो डर था, वो अपराधियों के दिलों से लगातार निकलते जा रहा है। इस पूरे मामले को लेके क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस अधिकारी, तो आप सुनिए। जिनका नाम पारस राय है, तो गोलीबारी की घटना हुई है, उसमें उन्हें गोली लगी है और उन्हें अभी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है बेहतर चिकित्सा के लिए। और अभी चूँकि तुरंत ही घटना हुई है, पुलिस संपर्क में लगी हुई है, घटनास्थल का निरीक्षण कर रहा है तो आपने सुना, लगातार बैक टू बैक तीन बड़ी घटनाएं घटी है और इस घटना के बाद पटना पुलिस के तो जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, आधा दर्जन खोखा पुलिस ने बरामद किया। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि अब अपराधियों के पकड़ने के बजाय पुलिस के लोग जो है वो खोखा चुनने में लगे हुए। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक अपराधियों को पकड़ पाती है। पटना से, दानापुर से पशुपति कुमार की रिपोर्ट।